हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएगा जो सीलिंग फैन का बियरिंग होता है वो कहाँ रहता है और किस प्रकार से इसको चेंज किया जाता है। क्योंकि कई समय जब यहाँ पे देखिए जब घूम रहे हैं तो ये आवाज़ होता है, तो जब भी आवाज़ होता है वो मेन प्रॉब्लम है बियरिंग। ठीक है, अब बियरिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, यही है मूल फॉल्ट। क्योंकि जब बियरिंग ख़राब हो जाते हैं तब फैन जाम होता है, स्पीड कम हो जाएगा और फैन में कुछ आवाज़ निकालेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको वो बियरिंग जो है फैन के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बियरिंग को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो बियरिंग है ये तीन स्क्रू खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप बियरिंग मिल जाएगा आपको। ये तीन स्क्रू आपको स्क्रू ड्राइवर से खोलना होगा। ठीक है, जब खुल जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक बियरिंग है, अरे यहाँ पे एक बियरिंग है, इस दोनों बियरिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी आपको हम बताएगा। ठीक है, पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो उधर खोल दीजिए, ठीक है, जब खुलेगा वो, खुलने के बाद आपको खोल लिया, उसके बाद देखिए ए फोर पोर्शन चापा। देखिए फ्रेंड, जब ए फोर पोर्शन चापा है और ये नीचे पोर्शन चापा है, ये कॉइल है, ठीक है, इसका नीचे और एक बियरिंग है। तो पहले ऊपर पोर्शन का यह बियरिंग जो देख रहा है, देखिए, ठीक है, ये बियरिंग का माप है 6202। ठीक है, 6 यहाँ पे 6202 बियरिंग का नंबर है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से आपको अच्छा से इस तरफ जब घाव मारेगा तो ये बियरिंग निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप घाव मारेगा तो इस बीट से तो ये बियरिंग निकल जाएगा। इस बियरिंग को चेंज करना इजी है, कई कई बार क्या होता है सैप पे बियरिंग लग जाता है, तो सैप पे जब लगेगा तो इस प्रकार एक पोलार मिलता है आपके पास, एक पोलार से आप यहाँ पे लगा देगा। यहाँ पे लगाने के बाद बियरिंग में जब इस तरफ लग जाएगा और इसको टाइट देने से इस बियरिंग निकल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पोलार चाहिए एक। और नीचे वाला जो पोर्शन है आप देखिए, इसको तुलने के बाद यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बियरिंग, देखिए इसका नीचे का जो बियरिंग है ये है। ठीक है, इस बियरिंग को तुलने के लिए कई कई बार यहाँ पे बियरिंग रह जाता है, तो इस पुलर के मदद से आप खींच सकते हो, ठीक है, पुलर के जरिए। लेकिन सबसे जो प्रॉब्लम होता है ये इनसाइड का बियरिंग, ठीक है, ये क्योंकि इसके अंदर रह जाता है बियरिंग, आप बाहर से नहीं हथौड़ा से निकल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक टूल्स चाहिए जिसको कहा जाता है इनसाइड पोलर। इनसाइड पोलर का मतलब इस प्रकार देखने होगा, ठीक है, ए पोलर, ये जो पोलर है ये यहाँ पे देखिए बीट लगा हुआ है, ठीक है, ए बीट आपको पहले ए निकाल लेना चाहिए, ये जो पाती है इसको निकाल लीजिए। ठीक है, पहले इसको इस फ्री पोर्शन को आना पड़ेगा, अन्य से निकल जाएगा। इस प्रकार आपको थोड़ा निकल गया, पूरा खुलना नहीं चाहिए, तो ये खोल गया कोई बात नहीं। उसके बाद इसको अंदर दे दिया, अंदर देने के बाद फिर से इसको लगा देना चाहिए। इस प्रकार लगाने के बाद इसको ये बियरिंग के अंदर दे देना है, ठीक है, अच्छे से देने के बाद इसको ये जो पत्ती है जो निकाला था यहाँ से ये पत्ती इसको इस तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छा से हथौड़े से घाव मारने से, ठीक है, नीचे चला जाएगा,
जब नीचे चला जाएगा तो इसको इस प्रकार घुमाएगा, ठीक है, इसका इस प्रकार घुमाने से ये जो अंदर का बियरिंग है वो निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा घुमाने से होकर घुमाने से आ, देखिए ये जो बियरिंग है ये स्लिप हो गया पोलर, तो फिर से आपको देना पड़ेगा, इसको टान लिया, ठीक है। पहले माप देख लीजिए ये कितना जा रहा है अंदर, ठीक है, ये आपको फूल देना पड़ेगा, यहाँ तक देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइट है इसलिए वो जाम स्लिप हो रही है, कोई प्रॉब्लम। फिर से एक बार दे रहा हूँ मैंने, इसको लगाने के बाद इस तरफ आपको घुमाना पड़ेगा जोर से, जब टाइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक देखिए बियरिंग इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरफ घुमा देगा, उल्टा दी उल्टा में घूम जाएगा, घुमाने के बाद इसको खींच लेना चाहिए और बियरिंग देखिए निकल आया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये फोलर चाहिए, इसको किया जाता है फोलर, इनसाइड फोलर और आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे ये जो बियरिंग का इसको इनसाइड किया जाता है, यहाँ पे इस पोलर से लिया जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इस दोनों बियरिंग आप चेंज कर दीजिएगा तो आपको फैन सही हो जाएगा फ्रेंड। यही था आज का छोटा सा वीडियो, ठीक है। कई कई बार यहाँ पे रह जाए तो इस पोलर से आपको निकल जाएगा, इस पोलर से आप निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये वीडियो आपको बनाया। इस पोलर जरूर किनिए और ये पोलर, इस दोनों पोलर किन लीजिए, आप फैन खुद ही घर से लगा सकते हो, ठीक है। घर से जो इस पोलर में आप घर बैठे बैठे आपको बियरिंग चेंज हो जाएगा फ्रेंड। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और पास में जो बेल आइकन है ये भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे इस वक्त वीडियो आपके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन, तो आप मेरे और वीडियो आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा फ्रेंड। थैंक यू।